So we'll start with PYQ of NEET. So first question, if dimensions of critical velocity VC, अब ये critical velocity क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, of a liquid flowing through a tube are expressed as eta raised to x, rho raised to y, r raised to z, where eta, rho and r are coefficients of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. Then the values of rho, y and z are. तो अभी फिलहाल क्योंकि तुमको critical velocity नहीं पता, because you are still in 11th. जब आप fluid mechanics start करोगे तब critical velocity exactly होता क्या वो सीखोगे, तब critical velocity का formula भी सीखोगे, तब ये question directly solve होगा. लेकिन फिलहाल अभी directly solve नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को formula पता नहीं है. तो what we will do is हम लोग dimensional analysis use करेंगे. इन्होंने बोला है dimensions of critical velocity VC of a liquid flowing through tube are expressed as, तो VC के dimensions are expressed as eta raised to x, rho raised to y and r raised to z. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए critical velocity हो या कोई भी velocity हो वो velocity ही होता है. तो velocity के dimensions क्या होते हैं, L1 T minus 1, correct. नंबर टू, इफ यू रिमेम्बर कल ही मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था, कल हमने देखा था ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके हमने यूनिट्स भी देखे थे. नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ. इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि जब लिक्विड मूव होता है, फ्लो होता है, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है. तो जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है स्पीड पे और डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे. फिर एफ इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो क्या है, ईटा ए वी बाय एक्स, करेक्ट. यहाँ तक क्लियर. और ये जो ईटा है इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और ये लॉ, इसका नाम भी बताया था तुमको मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो ईटा इक्वल टू एफ एक्स अपॉन ए वी. फिर हमने कल ईटा के डायमेंशंस भी फाइंड किए थे, तो ईटा के डायमेंशन हमने फाइंड किए थे, ईटा के डायमेंशंस थे फोर्स के डायमेंशंस इंटू एक्स मतलब डिस्टेंस के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस इंटू वेलोसिटी के डायमेंशंस. फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्टेंस है एल वन, एरिया है एल टू, स्पीड है एल वन टी माइनस वन, राइट. गुड, देन ये ऊपर एल वन, एल वन मतलब एल टू और नीचे एल टू, कैंसल. तो ये आ गया आपका एम वन L माइनस वन और T माइनस वन, ये आ गया आपके ईटा के डायमेंशंस. गुड, तो ये ईटा के डायमेंशंस हैं. हमको ईटा रेस टू x करना है, रेस टू x, तो इसका रेस टू x, हाँ. तो पहले ईटा के डायमेंशन निकाल लेना, फिर ईटा रेस टू x ये हो जाएगा m रेस टू x, L रेस टू माइनस x, T रेस टू माइनस x. इक्वेशन नंबर थ्री. उसके बाद रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसके मास मतलब एम रेस टू वन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, एल रेस टू थ्री, ऊपर जाके क्या होगा, एल रेस टू माइनस थ्री. तो ये रो रेस टू वाई अगर लिखता हो तो ये आ जाएगा एम रेस टू वाई, एल रेस टू थ्री वाई. इक्वेशन नंबर फोर. और आर तो आर है, और आर रेडियस है, रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, राइट. तो आर रेस टू जेड क्या जाएगा, एल रेस टू जेड. इक्वेशन नंबर फाइव. अब इक्वेशन नंबर थ्री फोर और फाइव कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू में. तो ये इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, और आपको सॉरी टू थ्री फोर फाइव कहाँ, इक्वेशन नंबर वन में. तो डायमेंशंस वेलोसिटी के, डायमेंशंस ईटा के, डायमेंशंस और किसके, रो के, डायमेंशंस और किसके, आर के.
ये सब इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी डायमेंशन थे एल वन टी माइनस वन इक्वल टू ईटा ईटा रेस टू एक्स, और ईटा रेस टू एक्स क्या है, एम रेस टू एक्स एल रेस टू माइनस एक्स टी रेस टू माइनस एक्स। उसके बाद क्या था, रो रेस टू वाई, क्या है ये, क्या आया, एम रेस टू वाई एल रेस टू माइनस थ्री वाई। उसके बाद आर रेस टू जेड, मतलब एल रेस टू जेड, करेक्ट। बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो एम रेस टू एक्स प्लस वाई एल रेस टू माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ओके, और टी रेस टू माइनस एक्स। कंपेयरिंग यहाँ पे m नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मतलब m का पावर क्या है, जीरो। तो फिर आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो, और माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड ये क्या आएगा, वन। माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड ये कितना हो गया, वन, और माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और x की वैल्यू वन आ गई, तो वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो y क्या आ गया, माइनस वन। तो ये यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन प्लस जेड इक्वल्स टू वन, है ना, बराबर। तो ये आ गया आपका माइनस वन, दिस इज प्लस थ्री प्लस जेड इक्वल्स टू वन, सही है, ये कितना है, प्लस टू, प्लस टू आ गया तो माइनस टू, तो कितना हो गया, माइनस वन। तो x की वैल्यू वन, y की वैल्यू माइनस वन, और z की वैल्यू माइनस वन, राइट। तो क्या आएगा, देखो x की वैल्यू क्या आई आपकी, वन, बाकी दोनों क्या आई, माइनस वन, तो वन माइनस वन माइनस वन, ऑप्शन डी सही है, गुड। अभी वेट, रुको रुको, सही है, कुछ गलत नहीं है, आंसर इज करेक्ट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी, जो आप सेफ हो गई आगे, अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ही पता होता होता, तो वो होता है आर, आर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेनॉल्ड्स नंबर। आपको पता है रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड नाम का एक कंपनी भी है जो क्या बनाता, पता है क्या बनाता, पता है पेन, क्या बनाता है, हाँ। तो रेनॉल्ड्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब व्हेन फ्लूइड्स मूव, उसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव किए उस पर, तो इसलिए वो नंबर को भी रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, और वो पेन का कंपनी उसी के रिस्पेक्ट में दिया है रेनॉल्ड्स, क्योंकि पेन के अंदर इंक होता है, इंक क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो होता है ना वो लिक्विड। तो एनी वेज ये पता होना चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा अपॉन टू रो आर, बराबर, रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा अपॉन टू रो आर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आर बाई टू ईटा रो रेस टू माइनस वन आर रेस टू माइनस वन, लिख सकते हैं ना सर। अरे रो आर कहाँ था, डिनोमिनेटर में, पावर कितना है, न्यूमिनेटर में ले गया तो क्या लिखूंगा मैं, तो माइनस वन लिख लिया मैंने, लिख सकता हूँ क्या ऐसे, यस और नो, यस। ईटा का पावर कितना है, वन, ये एक्स है, ये वाई, और ये, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, वन, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, और z कितना आ गया, माइनस वन। तो डायरेक्ट हो गया ना, हाँ। वो डायरेक्ट कब होता है, जब आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, वो हम लोग आगे डिराइव करेंगे। तो मैंने आपको ये मेथड भी बता दी जहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, तो सीधा सीधा तुमको मिल गया ईटा वन रो रेस टू माइनस वन आर रेस टू माइनस वन, और आपको दिया हुआ था फॉर्मूला अगर याद होगा तो, क्या बोला था, ईटा रेस टू एक्स रो रेस टू वाई आर रेस टू जेड, से कंपेयर कर लिया और वैल्यूज मिल गए। और दूसरा, अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता, क्योंकि अभी तक तुमको नहीं पता, वो आपको ट्वेल्थ में आता है, तो उस केस में तुम डायमेंशनल इंडिसेस यूज कर लो, तो दोनों मेथड से आंसर आएगा। डन, तो ये जो आर है इसको क्या नाम दिया था, रेनॉल्ड्स नंबर। अभी रेनॉल्ड्स नंबर
क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। अभी फिलहाल से फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके भी ऐसे ही दो मेथड्स है। मेथड वन इज थ्रू डायमेंशन एनालिसिस, मेथड टू इज थ्रू फॉर्मूला, मेथड थ्री इज थ्रू यूनिट्स। तो धीरे धीरे करके एक एक मेथड एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा जहां जहां रिक्वायर्ड है। इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। नॉर्मली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसा इमेजिन कर लो कि हमने एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल मान लिया। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पे भी मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। तो मेथड वन, सबसे पहले सरफेस टेंशन को हम लोग को एक नाम दे देंगे, चलो बोल देते हैं एस। तो सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी पे। और किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। और किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। लेकिन पावर पता है क्या? नहीं। तो फिर ए बी और सी, एक्स वाई जेड, ए बी सी जो बोलना है वो। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन है ना, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी रेस टू ए, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी रेस टू बी, डायमेंशंस ऑफ टाइम रेस टू सी। अब सरफेस टेंशन क्या होता है मैंने बताया था आपको, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन लेंथ, बताया था ना, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स होता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ऐसा लिख देता हूँ। एनर्जी के डायमेंशन पता है आपको? एम वन एल टू रेस टू ए। वेलोसिटी क्या होता है? एल वन टी माइनस वन रेस टू बी। और टाइम तो टाइम है तो टी रेस टू सी। और ये फोर्स, फोर्स यू नो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन क्या था? लेंथ। क्या था? लेंथ। तो लेंथ और लेंथ हो गया कैंसल, तो क्या आया? एम वन एल जीरो टी माइनस टू, एम रेस टू वन और यहाँ पे ए, तो एम रेस टू ए, एल रेस टू टू ए, टी रेस टू माइनस टू ए, L रेस टू B, T रेस टू माइनस बी एंड T रेस टू C, बराबर। तो यह आ जाएगा आपका M1 L0 T माइनस टू इक्वल टू M रेस टू A, उसके बाद L रेस टू टू ए और B है तो L रेस टू टू ए प्लस B, और T रेस टू माइनस टू ए प्लस C, माइनस टू ए प्लस C। Then, m का पावर इधर a इधर 1, तो a इक्वल टू 1, l का पावर वहां पे 2a प्लस b, यहां पे कितना? 0, उसमें से a की वैल्यू कितनी है? 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टू। कितना आ गया? माइनस टू, वेरी गुड। सिमिलरली माइनस टू ए प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? माइनस टू, माइनस टू होगा ना आगे, हा कि ना, हाँ। तो माइनस टू ए की वैल्यू कितनी है? वन, वन, ओके बराबर, सही है। तो सी कितना आ गया? जीरो। तो सी कितना आ गया? जीरो, राइट। तो आंसर ही नहीं आएगा आपका, कुछ तो गड़बड़ है। टी की पावर हाँ, तो यहाँ पे तीन टी थे तो माइनस, ये देखो माइनस टू है माइनस बी, एक बी लिखना भूल गए ना, हाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल, तो समझ में तो आ ही गया था क्योंकि सी जीरो मतलब टी रेस टू जीरो, लेकिन इधर एक भी ऑप्शन नहीं है टी रेस टू जीरो। तो छोटे छोटे गलती होती रहती है, तो ध्यान देना ऐसे गलती पे, नहीं तो गए। तो माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो क्या? वेरी गुड। माइनस व्हाट इज ए वैल्यू? वन। व्हाट इज बी वैल्यू?
माइनस टू प्लस सी इक्वल टू बराबर। तो ये माइनस टू और ये माइनस टू कैंसिल हो गया, ये क्या है प्लस टू और ये वहां जाके क्या हो गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई। तो इक्वेशन जो वन था, इक्वेशन वन सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू ए, ए कितना है वन, उसके बाद वी रेस टू बी, बी कितना है माइनस टू, और टी रेस टू सी मतलब माइनस टू, ई वन वी माइनस टू और टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी। हाँ यस करेक्ट, लेकिन वेट वेट वेट, मेथड नंबर टू ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सबका ध्यान यहाँ, यहाँ वहाँ देखना नहीं, सिर्फ यहाँ देखना है। यहाँ सरफेस टेंशन मैंने आपको दो से तीन बार बताया, फोर्स अपॉन लेंथ, वेरी गुड करेक्ट। फंडामेंटल किसको माना है तुमने, एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को। मतलब तुमको करना क्या है, तुमको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लाना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, वेरी गुड। डू यू रिमेंबर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स, वर्क अपॉन डिस्टेंस, बट व्हाट इज वर्क, एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। तो जो इक्वेशन वन है ना ये बन जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इसको फिलहाल ऊपर रख देता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू एस इक्वल टू फोर्स, व्हाट इज फोर्स, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, और साथ में कौन है डिस्टेंस, लेंथ इज डिस्टेंस, करेक्ट करेक्ट। हमको क्या चाहिए था, हमको एनर्जी वेलोसिटी और टाइम, इसके टर्म्स में किसको लिखना था, सरफेस टेंशन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डायमेंशंस मैंने सोचा कि काम करते हैं, तुमको एनर्जी चाहिए ना, फोर्स दिया है, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स, वर्क अपॉन डिस्टेंस, लेकिन वर्क क्या होता है, एनर्जी, तो एनर्जी तो आ गया। अभी कौन कौन नहीं आया, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं आया, नहीं आया ना, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक काम करता हूँ बाय टाइम, बाय टाइम, लेकिन ये टाइम टाइम थे क्या उधर, टाइम टाइम थे क्या वहाँ पे, नहीं नहीं थे ना, ऐसा था ना ऐसा, तो हमने हमने क्या किया, हमने टाइम और टाइम दो बार लिख दिया, तो यहाँ पे भी दो बार लिखेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर को मैंने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बराबर। अब ऐसा क्यों किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू ई वी रेस टू माइनस टू टी रेस टू, वही तो है ई रेस टू वन वी रेस टू माइनस टू टी रेस टू माइनस टू, तो ऐसा भी कर सकते हैं, करेक्ट गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, तो इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो इन तीनों को तुम कैसे कंबाइन करोगे सो एज टू गेट डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब फिर वही क्वेश्चन है कि लेंथ समहाउ डिपेंड करता है एच पे, तो एच रेस टू एक्स, किस पे डिपेंड करता है सी पे, तो सी रेस टू वाई, और किस पे डिपेंड करता है जी पे, जी रेस टू जेड, इक्वेशन नंबर वन। वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हमने पहले ही फाइंड कर लिए थे, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटोन लाइट, ये होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी, और एच होता है एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो एच के डायमेंशंस चाहिए तो एनर्जी के डायमेंशंस और फ्रिक्वेंसी के डायमेंशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू, और फ्रिक्वेंसी होता है टी माइनस वन, या टी माइनस वन ऊपर गया तो टी प्लस वन, तो आ गया एम वन एल टू टी माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ओके ये आ गया कि एच के डायमेंशंस।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो स्पीड ही है, और स्पीड तो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन ही है, इसलिए इसको वैसा ही रखो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस भी मैंने बताए थे आपको, फाइंड कैसे करते हैं, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इन टू एम टू। तो जी के डायमेंशंस चाहिए होंगे तो पहले फोर्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए, एम वन एल वन टी माइनस टू, और आर इज डिस्टेंस तो डिस्टेंस का भी स्क्वायर, एम इन टू एम मास होता है तो मास का स्क्वायर। ये m2 ऊपर गया तो क्या बन गया, m माइनस टू, m1 और माइनस टू तो m माइनस वन, l1 और l2, l3 और t माइनस टू, इक्वेशन नंबर फोर, करेक्ट। और लेंथ तो लेंथ है तो ये इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर वन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रॉम वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, एल वॉज लेंथ, लेंथ तो लेंथ रेस टू वन, इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू एच रेस टू एक्स, लेकिन एच क्या है, एम वन एल टू टी माइनस वन, एम वन एल टू टी माइनस वन रेस टू एक्स। सी इज स्पीड ऑफ लाइट तो वो तो आ गया एल वन टी माइनस वन रेस टू वाई, और जी तो अभी तुमने फाइंड किया, इधर लिखा हुआ एम वन एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू रेस टू जेड, तो एम जीरो एल वन टी जीरो, ये आ गया आपका एम रेस टू एक्स, एल रेस टू टू एक्स, टी रेस टू माइनस एक्स, एल रेस टू वाई, टी रेस टू माइनस वाई, एम रेस टू माइनस जेड, एल रेस टू थ्री जेड, टी रेस टू माइनस टू जेड। तो अभी वापस फिर वही गलती नहीं करनी है, इसके लिए एक एक करके अच्छे से देख लो कितने एम है, एक और दो, तो एक्स और माइनस जेड, तो ये हो जाएगा आपका एम रेस टू एक्स माइनस जेड, एल एक दो और तीन, तो एल रेस टू टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, टी एक दो और तीन बार है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड। कंपेयर कर लो एक्स माइनस जेड क्या आ जाएगा, जीरो, इसका मतलब एक्स और जेड की वैल्यू सेम है। यहां तक आ गया, ऑप्शन देखते हैं पहले, एक्स किसका पावर था, एच, और जी किसका है, जेड किसका है, जी का, करेक्ट, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम, इसका मतलब सेम आना मतलब दोनों तुमको मल्टीप्लीकेशन में ही दिखने चाहिए, एच इंटू जी एच इंटू जी एच इंटू जी ऐसे दिखना चाहिए। कहाँ पे एच इंटू जी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, करेक्ट, यहाँ पे तो डिवीजन में है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ऐसा देखते हुए तुम ऑप्शन हटा सकते हो, गुड। देन उसके बाद 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1, देन लास्टली माइनस x माइनस y माइनस 2z, माइनस x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के वहां शिफ्ट कर दो तो क्या बन गया, x प्लस y प्लस 2z equals to 0, क्लियर। अब इसके आगे सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तीन तरीके हैं, मैं तुमको एक बताता हूँ जिसको जैसा जैसा कंफर्टेबल हो, मैं तुमको एक या तो बता देता हूँ। x equal to z है ना, तो 2x plus y plus 3x, क्योंकि x और z की वैल्यू क्या थी, सेम, तो क्या हो गया 5x plus y equal to 1, यहाँ पे भी वही करो x plus y plus 2x equal to 0, तो कितना हो गया 3x plus y equal to 0, right? फिर अपने अपने तरीके हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ अपने अपने हर किसके तरीके हैं, तो y equal to कितना हो गया minus 3x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 5x minus 3x equal to 1, कितना हो गया
टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स कितना हो गया वन बाई टू, लेकिन एक्स और जेड की वैल्यू क्या थी सेम थी, दोनों का पावर क्या आएगा हाफ एंड हाफ आएगा ना, वो तो करना ही नहीं था तुमने, किया ही क्यों, इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो समझ में आ ही गया था पावर हाफ एंड हाफ होगा दोनों का, बचा कौन, क्या नहीं मिला वाई तो माइनस थ्री बाई टू आएगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है हाफ, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू मतलब वाई किसका पावर था सी का, तो सी रेस टू थ्री बाई टू एक ही जगह दिख रहा है क्या कहाँ पे, ऑप्शन बी, फिर भी पूरा कंप्लीट करने के लिए कर देते हैं, हमने बोला था एल इज प्रोपोर्शनल टू एच रेस टू एक्स, सी रेस टू वाई और जी रेस टू जेड, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू एच रेस टू हाफ, सी रेस टू माइनस थ्री बाई टू और जी रेस टू हाफ, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू एच रेस टू हाफ जी रेस टू हाफ अपॉन सी रेस टू थ्री बाई टू, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू एच इंटू जी, दोनों का रेस टू हाफ मतलब दोनों का आ गया रूट अपॉन सी रेस टू थ्री बाई, यही तो आंसर था हा? ओके तो ये था आपका मेथड नंबर वन, अभी इसके लिए कोई और मेथड एग्जिस्ट करता है क्या, करता है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, जैसे लास्ट केस में हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बना लिया था सरफेस टेंशन का, वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ बनेगा नहीं, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने जाओगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, और वैसे भी नीट में क्योंकि नीट का पी वाई क्यू है इतना टाइम नहीं कि ये सब भी कर सकते हैं, नहीं होगा इतना, तो काम करेंगे मेथड टू, मेथड टू क्या है यू स्टार्ट विथ, या ध्यान दो ये जो ऑप्शंस है ना ऑप्शंस उस पर ध्यान रखना, तो मेथड टू में यू हैव टू कीप आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो अभी ऑप्शंस क्यों ध्यान रखने पड़ेंगे बताता हूँ मैं, बट तो ये थे हमारे पास चार ऑप्शंस, सबसे पहले जी सी और एच, तो सी के यूनिट्स तो पता ही होंगे मीटर पर सेकेंड, एच के नहीं पता तो पता लग जाएंगे जैसे ई इक्वल टू एच नू, एच इक्वल टू ई बाय नू, ई होता है जूल में और फ्रिक्वेंसी होता है वन अपॉन सेकेंड में, तो एच हो जाता है जूल सेकेंड, और जिनको याद होगा जूल खुद किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और ये एक सेकेंड, इसका मतलब ये और ये हो गया कैंसिल, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसके बाद जी नहीं याद है कोई बात नहीं, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट, तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर में और ये होता है किलोग्राम के स्क्वायर में, ठीक। मैं आपको और एक ट्रिक देता हूँ, यू नो यहाँ पे तुमने जूल को क्या लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नहीं भी लिखते ना तो भी काम हो जाएगा, क्यों क्यों हाउ बताता हूँ मैं, इसको ऐसा लिखे क्या हम लोग न्यूटन मीटर मीटर अपॉन के जी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यू नो वॉट इज न्यूटन फोर्स, वट इज मीटर डिस्टेंस, वट इज पोर्शनल डिस्टेंस, वर्क, वट इज वर्क एनर्जी, वट इज एनर्जी जूल, तो खुद ही जूल है, तो जूल मीटर पर के जी स्क्वायर, आ गया आ गया, या तो वैसा लिख लो एज यू आर कंफर्टेबल, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही लिखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी मर्जी है तुमको जैसा लिखना वैसा लिखो, तो अभी जो लोग जूल न्यूटन में कंफर्टेबल है वो ऐसा कर लेना, जिनको नहीं जम समझ में आता जूल न्यूटन तो मैंने बताया था एनर्जी का के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे एक सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड कैंसल, तो अगर आपको जूल और न्यूटन नहीं ना तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करो न्यूटन मतलब क्या होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये पता है कौन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और के जी
ओके, एक और एक कैंसर, तो क्या आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर के जी। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? सर सर 100%। अब एक एक करके ऑप्शन देखो। तो वंस यू नो, आपको एक बार इसके यूनिट समझ में आ गए, तो अभी एक एक करके ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन जी इंटू सी अपॉन एक्स रेस टू 3/2 का रूट। जी, जी के यूनिट क्या है? क्या है? मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर के जी। सी, सी क्या था? मीटर पर सेकेंड, ऐसा था ना? जी क्या था? मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के जी। और ये क्या था? मीटर पर सेकेंड। और नीचे नीचे कौन है? एच, एच, एच कौन था? एच के जी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? इसका पावर कितना है? कितना है इसका पावर? 3/2। कितना इसका पावर? 3/2। हमको अल्टीमेटली फाइनली क्या चाहिए? लेंथ। क्या चाहिए? लेंथ मतलब कौन? मीटर। लेंथ मतलब कौन? तो सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, सिर्फ क्या छोड़ के? क्या छोड़ के? मीटर। अब देखो, ये मीटर रेस टू 3 और ये मीटर, और इसका पूरे का क्या है? अंडर रूट। क्या है? अंडर रूट। मीटर रेस टू कितना हो गया? 4, क्योंकि 3 और 1 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। और यहाँ पे मीटर 2 और 3/2 को कितना बचा? अरे ये मीटर रेस टू 2 है और ये रेस टू 3/2 है, तो कितना हुआ? और ऊपर कितना है? तो सब मिला के क्या बचा? मीटर से क्या बचा? मीटर। बाकी को देखो ही मत, किलोग्राम सेकंड भूल जाओ, सिर्फ मीटर देखो, है ना? और सबका क्या है? अंडर रूट। लेंथ का यूनिट मीटर होता है कि रूट मीटर होता है? मीटर होता ना, तो ये नहीं आएगा आंसर। ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये रूट मीटर आ रहा है, तो नहीं होगा, नहीं आ सकता। राइट, करेक्ट, गुड। फिर अभी सी तो पता है ना कि सी आंसर है, अब सी का चेक कर लेते हैं, फिर बी और डी का तुम प्रैक्टिस कर लेना। एच, एच कौन था? एच कौन था? एच कौन था? एच किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जी, व्हाट वाज जी? मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू के जी। ये हो गया एच जी अपॉन सी। सी क्या था? मीटर पर सेकेंड रेस टू 3/2, है ना? राइट, ऊपर का रूट में था, नीचे का रूट में नहीं था। मीटर रेस टू 2 और मीटर रेस टू 3, मीटर रेस टू 5, बराबर। और इसका क्या? रूट। रूट मतलब क्या? हाफ। और नीचे मीटर रेस टू कितना है? 3/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर रेस टू 5/2, मीटर रेस टू माइनस, तो कितना हो गया? मीटर रेस टू 5 - 3/2, तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? आ गया मीटर, तो लेंथ आ गया ना, लेंथ। तो ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे लिखा है, बी सी डी जो भी है, वो ए सी बी डी लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो हमने भी तो ऑप्शन नंबर बी फाइंड किया ना, बराबर ना? करेक्ट। तो ये सेकेंड मेथड है। अभी सेकेंड मेथड में आपको लिखने के लिए टाइम तो नहीं देने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करना होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 2017 का PYQ। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, वापस लेंथ, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4π ε₀। पिछली बार क्या था? सी जी एंड एच। यहाँ पे क्या बोला है? सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4π ε₀। यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेंथ के डायमेंशन देगा। तो चार ऑप्शन है। अब सबसे पहले सी तो तुमको पता लग गया डायमेंशनली, अभी तो लिखा था L1T-1। और जी के भी तो पता ही है, अभी तो देखे थे ना जी के, क्या था जी का डायमेंशंस? M-1L3T-2, M-1L3T-2, ऐसे था ना? यस, बराबर। ये
अब से बचा कौन, ई स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो। आपको पता है मेरे पास अगर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है, डिस्टेंस आर है, तो दोनों में फोर्स कितना है, वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो, कॉन्स्टेंट होता है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूँ कि ये प्रोटॉन था, ये भी प्रोटॉन था, या फिर ये इलेक्ट्रॉन था, ये भी इलेक्ट्रॉन था, राइट। तो चार्ज कितना ई और ई, तो ये आपका क्या जाएगा, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो ई इंटू ई, मतलब कौन, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहाँ ले लेता हूँ, तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो। इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं, फोर्स के डायमेंशंस एम वन एल वन टी माइनस टू और ये है एल टू क्योंकि डिस्टेंस है, तो ई स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम वन एल थ्री टी माइनस टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो मिल गया डायमेंशन। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको फाइनली डायमेंशन लेंथ के चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, स्पीड जी और ई स्क्वायर अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन जीरो, फिर वही रेस टू एक्स रेस टू वाई रेस टू जेड, या तो यूनिट से निकाल लो या तो ये पूरा प्रोसेस करो। इसके डायमेंशन होंगे एम जीरो एल वन और टी जीरो लेंथ है, सी के डायमेंशन थे एल वन टी माइनस वन रेस टू एक्स, जी के डायमेंशन थे एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू रेस टू वाई, और ये क्या आया, ये अभी कहना डायमेंशन एम वन एल थ्री टी माइनस टू एम वन एल थ्री टी माइनस टू रेस टू जेड। तो यू हैव एम जीरो एल वन टी जीरो इक्वल टू एल रेस टू एक्स टी रेस टू माइनस एक्स एम रेस टू माइनस वाई एल रेस टू थ्री वाई टी रेस टू माइनस टू वाई एम रेस टू जेड एल रेस टू थ्री जेड और टी रेस टू माइनस टू जेड। गुड, देन एल एल और एल क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, तो एल रेस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड। उसके बाद एम, चलो एम पहले लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा है तो वहाँ पहले लिख लेता हूँ, डजंट मैटर। एम कितनी बार है, दो बार, तो माइनस वाई प्लस जेड, टी टी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। देन यहाँ पे एम का पावर जीरो, वहाँ पे कितना, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से मिल गया वाई इक्वल टू जेड। इसके बाद एल का पावर क्या है, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू कितना, वन, और वहाँ पे क्या है, क्या है, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाई इक्वल टू जेड है ना, वाई इक्वल टू जेड है, y इक्वल टू जेड है, तो x प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू वन, क्योंकि y इक्वल टू जेड था, तो x प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू वन। यहाँ पे भी x प्लस टू वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब x प्लस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब x इक्वल्स टू माइनस फोर वाई। तो पुट, अब ये यहाँ पे आ गया, पुट x इक्वल्स टू माइनस फोर वाई, तो क्या हो गया, माइनस फोर वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू वन, तो टू वाई इक्वल्स टू वन, तो y इक्वल्स टू हाफ, y हाफ आया, बराबर है ना, तो z भी हाफ आया, राइट। बट y इक्वल्स टू z, देयरफॉर z इक्वल्स टू हाफ, एंड x इक्वल्स टू माइनस फोर वाई, तो माइनस फोर और y कितना है, हाफ, तो कितना आ गया,
माइनस टू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू हाफ। राइट, देयरफॉर l इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, c रेज टू x, x कितना है माइनस टू, c रेज टू x, तो c रेज टू माइनस टू। उसके बाद g रेज टू y, मतलब g रेज टू हाफ, और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेज टू आल्सो हाफ, करेक्ट, गुड। तो l इज प्रोपोर्शनल टू g इंटू e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों आ जाएंगे रूट में और सी स्क्वायर जाएगा डिनोमिनेटर में बाहर। अब कैसा दिया वो मुझे पता नहीं, फिर भी देख लो, सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में दो जगह पे है ना, है कि नहीं, हाँ, जी इंटू ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेज टू हाफ ऑप्शन। अरे ऑप्शन ए आया, आया कि नहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रेज टू आप मतलब रूट, तो हमारा क्या आया रूट, यहाँ पे क्या लिखा है हाफ, तो आया कि नहीं, अरे चलो अगला क्वेश्चन। अभी इसके आगे के दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू रिमेंबर इफ जेड इक्वल्स टू ए रेज टू एन बी रेज टू एम अपॉन सी रेज टू लेट अस से एक्स, ए रेज टू एन बी रेज टू एम अपॉन सी रेज टू एक्स, व्हाट इज डेल्टा जेड बाय जेड, एन डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी प्लस एक्स डेल्टा सी बाय सी, और परसेंटेज में होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि पावर को उसके परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशंस ए बी सी एंड डी एज फॉलोज, ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी इनटू रूट डी, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1 3 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए। तो हमारे पास क्वांटिटी है ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी डी रेज टू हाफ, क्योंकि रूट मतलब रेज टू हाफ, ए में परसेंटेज एरर है 1 फिर 3 फिर 2 एंड 2। तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं, याद है क्या, यस, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 6, 6 और 2 8, अरे 2 इंटू 1 2 था ना, और 2 इंटू 3 ए का बोल रहा हूँ मैं, ए का ए, हाँ इसको क्यूब कर लेते हैं, लेकिन पहले मेरे को ए का बताओ, ए का कितना है, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 9 और 2 सी का पावर कितना है 1, तो 1 इंटू 2 कितना गया 11 और 2 13, ये हाफ है और वो 2 है, तो कितना आंसर कितना खत्म हो गया, डन बराबर। हाँ तो मैंने बोला था इजी है, तो इजी था। अब ये जो क्वेश्चन है 2018, यहाँ ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए, तो जो क्वेश्चन हमारे बाकी है उस पर ध्यान देना ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, देखो स्क्रू गेज लिखा हुआ है, और आता है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर पे। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चन मैं एक साथ ही लेता हूँ, क्योंकि उसका पहले थ्योरी बताना पड़ेगा, और थ्योरी बताने के बाद तो ये पेंडिंग रहेगा, वी विल टेक बट आफ्टर द थ्योरी ऑफ बोथ ऑफ देम। अब सेम क्वेश्चन वापस आ गया, ये एक x इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू हाफ अपॉन सी रेज टू 1/3 डी क्यूब है, ए बी सी डी का कितना है 1, 2, 3 एंड 4, और पूछा है x में कितना परसेंटेज एरर, तो बताओ 2 इंटू 1 तो कितना 2, उसके बाद ये कितना है 2 और ये कितना है हाफ, हाफ इंटू 2 इज, पहला कितना था 2, ये कितना है कितना हो गया 3, 1/3 और इंटू 3 1 तो कितना हो गया 4, 3 इंटू 4 कितना आएगा 16, खत्म, ओके डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।